Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं. केमिस्ट्री की क्लास 65 है. इससे पहले क्लास 64 हम लोग कर चुके हैं, तो प्लीज़ जिसने नहीं देखा है एक बार जाके गो थ्रू कर ले. और जो भी हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो जो हम लोग लास्ट क्लास से 64 हो चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर ले, सो दैट उनको भी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. एंड प्लस जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आपके पास वीडियोस लेटेस्टली पहुँचेगी जैसे भी हम लोग अपडेट करेंगे. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है टू स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दो स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि टू स्पिन ऑफ स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ द पॉइंट, दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होते हैं वो अपने खुद के एक्सिस पे स्पिन करते हैं, मच इन द सिमिलर वे, एक सिमिलर ही वे में एज द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जब सन के अराउंड, जैसे कि आपको पता है कि सन इज़ अ स्टेशनरी सन, अगर ये रहता है तो एक एक्सिस पे ये अपना अर्थ है जो रोटेट करता रहता है, तो ऐसे ही रिवॉल्व करता रहता है, स्पिन करता रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन भी. And the next point, that in other words, an electron has besides charge and the mass an intrinsic spin angular quantum number. तो basically अगर दूसरे वर्ड में बोले तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जो चार्ज होता है उसको मास जो इंट्रिंसिक स्पिन होता है एंगुलर क्वांटम नंबर के हिसाब से होता है. स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अ वेक्टर क्वांटिटी. यू कैन से कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. कैन हैव टू ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द चूजन एक्सेस. तो टू ओरिएंटेशन होते हैं रिलेटिव टू दैट चूजन एक्सेस. आफ्टर दैट यू हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर these two orientation are distinguished by the spin quantum number, that is ms, which can take the values of plus half or minus half. these are called two spin states of the electron. do spin states hain electron ke, and are normally represented by the two arrows. ye do arrows represent karte hain. dekho ek hi up down hai jise hum spin up kehte hain, aur dusra jo arrow hota hai aapka wo spin down ka hota hai, jo iska direction down टू इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव डिफरेंट एम एस वैल्यूज. दो इलेक्ट्रॉन्स जिनके दो अलग एम एस वैल्यूज होते हैं, दैट आर प्लस हाफ और यू कैन से माइनस हाफ इन अदर वर्ड, आर सेट टू हैव एन अपोजिट स्पिन. दोनों में अपोजिट स्पिन होते हैं, एक अपवर्ड होता है एक डाउनवर्ड होता है. एंड एन ऑर्बिट कैन नॉट होल्ड मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव अपोजिट स्पिन. तो एक ऑर्बिट जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले सकता और वो दोनों ही अपोजिट स्पिन में ही होते हैं. नेक्स्ट यू हैव दैट एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव अपोजिट स्पिन. तो बेसिकली जो ऑर्बिट होता है आपका वो होल्ड नहीं कर पाता, यू नो, मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव एन अपोजिट स्पिन. दस टू सम अप, अगर सम अप की बात करें तो द फोर क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो ये फोर क्वांटम नंबर्स जो हैं वो आपके क्या प्रोवाइड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेबल हो जाएगा लेक्चर, इस वजह से मैं सिर्फ दो ही पॉइंट को डिस्कस करूँगी एंड देन फर्दर मूव ऑन हम दो पॉइंट को और डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो एंड डिफाइंस द शेल डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल and also to a large extent of the energy of that orbit. तो basically क्या होता है, जो n होता है वो depend करता है shell को, and that also determine the size of the orbital and also to the large extent to the energy of that particular orbit. okay, after that you have a next one, that there are n subshell. n subshell होते हैं with n shells of l. identify the subshell, determine the shape of the orbital. orbital का shape recognize करता है और बताता है कि किस type का organ orbital का shape है. और जो n shell है वो आपका identify करता है subshell को, तो shape of the orbital को. तो class आज के लिए इतना ही. thank you, hope you enjoy this video. if you like this video please give a thumbs up and give your suggestion on a comment box. thank you.